वेलकम एवरीबॉडी, मैं नमिता, आप देख रहे हो मितांश व्लॉगर। तो आज की वीडियो में मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब नो मेरे को इतना सपोर्ट करा। पर यार क्यों, ये देखो मैं यही खोल के बैठा, अभी पिछली वीडियो बना रहा था, वो बनी नहीं सक्सेसफुली, बंद हो गई गलती से। ये देखो गाइस, मैंने अपना चैनल खोला मितांश व्लॉगर, ठीक है, ये खोले, इस पे 30 व्यूज और 36 व्यूज हो गए। अब दो लोगों ने और देखा, लाइक ही नहीं किया, 7 लाइक सिर्फ गाइस। और मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी ना, इंट्रोडक्शन वाली, उस पर भाई कितने कम व्यूज है भाई, उस पर तो अच्छे व्यूज है मतलब। और सब्सक्राइबर देखो, 36 लोगों ने देखा, लेकिन सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ भी नहीं करा। गाइस क्या कर रहे हो ये, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करो। व्लॉगिंग वीडियो बन रही है, कोई जोकिंग वीडियो नहीं गाइस, प्लीज। मैं गुस्से में नहीं हूँ, कोई ऐसी गुस्से में नहीं कह रहा मैं। और गाइस अगर आप को देखना चाहते हो मेरे पिछली वीडियो कितनी देर पहले आई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ खुद ही, ये इस वीडियो को गए अभी 11 घंटे सुबह डाली थी क्योंकि मैंने। और गाइस मेरी इस वीडियो को हो गए हैं 23 hours, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सब कुछ कर डालो, फ्री में सब कुछ, फ्री। आज सबका रिवील होएगा फेस, मेरा तो कब का हो चुका है, फर्स्ट वीडियो में ही हो गया था। तो गाइस ये रे दादू का फेस रिवील, एकदम वो सर्दी और अब मेरी मम्मा का फेस रिवील। अरे कुछ बोलती तो दो, हाय दिस इज मितांश मॉम, हाय दिस इज मितांश मॉम, बस खत्म। और नन्नू तू तो बोल, ये मेरा है, मेरी छोटी सी बहन, कुछ बोलो। ये तो सीधा कैमरे पकड़ने पे आती है गाइस, ये फोन नहीं, सीधा कैमरे पे आती है। और ये हो गया पापा का फेस रिवील खत्म, पापा का फेस रिवील भी। पापा कह रहे सोशल साइंस पढ़ ले, एग्जाम है मेरा, पर ब्लॉग खत्म करके ही कर लूंगा, अब शुरू तो कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मेरे को सब कुछ आता है, पर सोशल साइंस में एग्जाम में बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ लर्न भी करना है। और गाइस मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो में है 37 हो गए, लेकिन लाइक नहीं किया, क्यों नहीं किया, एकदम से 37 हो गया, लाइक ही नहीं करते हो भाई आप लोग, क्यों भाई क्यों गाइस। 9 मिनट की वीडियो बन गई है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं लूँगा अपना रूम टूर, तो रूम टूर ले सकते हो गाइस आप। मेरा एक दोस्त था दिवांश, वो मेरे को बोल रहा था प्लीज़ यूट्यूब पे दिखाइयो, मैंने उसको पिछले वीडियो में दिखाया, लेकिन यार वो वीडियो बहुत गलत हो गई, बीच में स्टॉप हो गई गलती से मुझसे, कोई बात नहीं गाइस, मैं उससे बाद में मिलवा दूंगा आप सबको, ठीक है गाइस। ये रहा मेरा रूम, ये रहा मेरा चॉकलेट फ्रिज, इसमें मैं चॉकलेट रखता नहीं, अब तो कम हो गई है चॉकलेट्स। हे गो गाइस, ये आज फिर फ्रिज के अंदर का पार्ट्स भी रिवील हो गए। तो गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं मेरा टेंट, याद है ये जो दिखाया था मैंने आप सबको, है ना, दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा लगता है। और इसके अंदर लाइट भी है गाइस, ये देखो ऐसा लगता है जैसे हम सीधा गिरेंगे अभी नीचे, देखो मेरे को डर जाने में ही डर लग रहा है, लिटरली मैं गाइस लिटरली गाइस क्या हुआ देखो ऐसे लॉन्टिंग में लेटा हूँ गाइस लिटरली मैं सच कह रहा हूँ, ये देख लो आपके साथ मैंने, ठीक है गाइस। और ये रही लाइट, जला के दिखाऊं, कोई बात नहीं गाइस। अब ये रहा मेरे बेड के ऊपर से व्यू, ये था मेरा आधा रूम, अभी रहते हैं यहाँ पे, पहले होता था डबल बेड, उसके नीचे होते थे मेरे 2-3 टॉयज, 2-3 क्या बहुत सारे होते थे, जो कि यहाँ पे पड़े हुए दिख रहा होगा बहुत लोगों को, ये देखो दिख रहे हैं ना अंदर पंप वम्प कुछ दिख रहे हैं, वो होता था पहले, इतने सारे टॉयज होते, कुछ तो हैं नए नए। और गाइस ये खा रहा था मैं अभी, और एक कॉपी पड़ी है मेरी सिस्टी की, सिस्टी नहीं कंप्यूटर है गाइस, ए भाई और ये मेरी मोस्ट फेवरेट कार बहुत लोगों के पास होगी, ओ भाई चल रही है क्या गाइस, गाइस ये चल रही है, बंद नहीं थी ये गाइस, गलत कांड हो गया आज तो।
मेरी मोस्ट फेवरेट कार। गाइस अभी उसकी वॉच ऑन नहीं है। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं गाइस, सीधा मेरी बहन का पास इस पे रखा हो सब। तो गाइस अब थोड़ा आपको बाहर का व्यू भी देता हूँ। देखो गाइस, ये मेरी रेड वाइट जैकेट। और एक बैड न्यूज है और गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि मेरी साइकिल की चेन ठीक हो गई, और गाइस साइकिल की चेन फिर से उतर गई। मैं क्या करूं, दिवांश तू खेलने आ गया? ये लो गाइस, ये कह रहा था मिलवाना पिछली वीडियो तो गलत हो गई। दिवांश मिल ले कल शाम को आऊंगा। अच्छा आज तो तेरा वेज रिवील कर रहे हैं फिर भी नहीं देख रहा। कोई बात नहीं गाइस, कल शाम में दिखा दूं। दिखा दूं? ले देखो गाइस, ये देखो ये देखो गाइस, ये है दिवांश। उसके आँख भी मासी लेगा, ये अपने निकाय गाइस। तो पिछली वीडियो के में बहुत कम लाइक्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो पर ज़्यादा होने चाहिए। हाँ गाइस, जो भी देखेगा मेरी वीडियो उसको लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करना गाइस। तो ये देखो कितनी सच में यार देर हो गई है गाइस भेजो मेरे को वीडियो। गाइस मेन व्लॉग शुरू करते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि 6 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने, कोई बात नहीं गाइस, फिर भी चलते हैं। अभी थोड़ी कम वीडियोस बनी है, कुछ मेरे को आदत नहीं है इतना बनाने की। होम टूर आपको चाहिए तो प्लीज़ मैं दे सकता हूँ अगली वीडियो में, पक्का दूंगा। अगर एक दो बार बस बार बार से सारे रूम्स दिखा रहा हूँ मैं। ये दादू का रूम है मेरे पीछे, दादू का रूम अभी तक सबसे बड़ा, और ये मेरा पूरा ड्राइंग रूम है। ठीक है गाइस, मैं दादू का रूम, ओके गाइस। और ये आ गया दादू का बाथरूम, और इधर मेरे मम्मी पापा का बाथरूम है। तो कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा चलते हैं। दादू सबको बोलो वेल थैंक्स फॉर 31 सब्सक्राइबर्स। बोलो बोलो थैंक्स फॉर 31 सब्सक्राइबर्स। ऑल ऑफ यू थैंक यू सब्सक्राइबर्स। यार ऐसे ही होता बूढ़े प्रोनंसिएशन ऐसे ही होता, कोई बात नहीं, बूढ़े बंदों की प्रोनंसिएशन ऐसे ही होता। एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल है बोलो, और एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल टेंडेंट चैनल चैनल एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल्स, थैंक यू। हां दादू ने स्पीच दे दिया। दादू मेरे को तो मोदी जी जैसे लगते हैं, मोदी जी दादू खुश हो रहे। गाइस अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए जिनसे मैं सबकी स्पीच लूं, और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो मेरे को बताओ प्लीज़ गाइस। थोड़े दिन बाद भी मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना लिंक शेयर कर दूंगा, अभी करूंगा नहीं मैं, थोड़े दिन में मिल जाएगा आपको, ओके गाइस। लेकिन गाइस जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, किसी को याद है भी कि मैंने कैसे बनाई थी ये सफ़ेदी की दुकान दिखा के? हेलो गाइस, मैं मितांश, आप देख रहे हैं मितांश व्लॉगर। यही याद है गाइस, तो याद ही होगा सबको जिस जिसने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी होगी। सेकंड में तो ये सफ़ेदी की दुकान अलमारियां दिखाई नहीं थी मैंने, फर्स्ट में दिखाई थी। तो गाइस मेरा हो गया था फेस रिवील, सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर पर मैंने रख दिया इस पर सर्टिफिकेट अपना, कोडिंग का नहीं, कोडिंग वाला नहीं है, कोडिंग वाला बाहर है। गाइस ये देखो मेरा टेबल, यहाँ पे लीड चार्जर कॉपी और ये स्केल नहीं है, ये प्रोटेक्टर होता है स्केल, ये नीचे वाला। अगर आप पूछोगे आप कौन सी क्लास में हो, कितने साल के हो, मैं हूँ 5th क्लास में हूँ, मैं हूँ 10 ईयर्स का, मेरा फुल नेम है मितांश मेहंदी रत्ता। तो बहुत लोग हंस रहे होंगे मेहंदी रत्ता क्या नाम है, तो गाइस प्लीज़ मत हंसो, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी होती है। प्रोनाउंसिएशन क्यों, ऐसे कास्ट होते हैं बहुत लोगों के, बहुत ब्लॉगर्स को मैंने देखा है कि उनका नाम का भी मेहंदी रत्ता है। तो कोई बात नहीं गाइस, ये मेरे सिस्टर की कॉपी यहाँ रखी हुई थी, कोई बात नहीं गाइस, अपना टाइम मिल गया। ये रहा मेरा ग्लोब, यहाँ पे है मेरा ग्लोब, थोड़ा रैप करेंगे और थोड़ा मज़ा करेंगे। कितनी देर का बता दूंगा मैं, अब 9 मिनट हो गए, 9 मिनट और 48 सेकेंड्स। तो आज जल्दी से मेरे दे दूँ आपको अपना रूम का पूरा टूर, माई रूम टूर, माई रूम टूर।
तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, ये मिलती मेरे को बर्थडे पे, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। तो गाइस फिर से बताना, मेरा फर्स्ट मंथ है जिन्होंने नहीं देखा। तो गाइस अगर आप देख रहे हो, सच कह रहा हूँ मैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक आपने करना है तो करना है गाइस। सब यही करते हैं, कोई बात नहीं गाइस, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे गाइस बाय बाय ढंग से करने दो मेरे को, गाइस बाय बाय ढंग से करने है मेरे को। ठीक है गाइस, फ्रिज दिखा के करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में करता है, ये फ्रिज दिखाया था मैंने।